तो राम राम जी से मेरे सारे भाइयों को, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और रैप की जो है आज ये लास्ट वीडियो देख रहे हो, उसके बाद कोई रैप की वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मतलब वैसे जो मिलेंगी मिलेंगी, बट हाँ रैप पे अब और कोई सीरीज नहीं आएगी। ऑलरेडी तीन तीन चार चार जो है मैंने बना दी वीडियोस इस चैनल पे, तो ठीक है। बट दूसरा चैनल जो है उस पर आप लोग थोड़े बोर भी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे को भी मिला है। खैर वो सब छोड़ते हैं, अभी जो आपका भाई जा रहा है भाई कहाँ पे वॉशिंग करवाने, एंड घर पे भी मैं वॉश कर लेता, बट अभी जो है मेरे को रैप का फाइनल शूट करना है। तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मेरे से वॉश नहीं बन पाएगा, तो वो तो वॉश मेरे को बाहर ही करा के लानी पड़ेगी। तो एक बार जो है मैं वॉश करवाता हूँ पहले, और उसके बाद अलका की हेल्प लेके जो मेरे को शूट करना पड़ेगा। एंड देखते हैं वॉशिंग वूशिंग बना पाया तो बना पाऊंगा, और टायर स्टिकर्स को भी वॉश करवाना है मेरे को। तो चलो दीपक भाई, कई सारे आते हैं दीपक भैया के पास, तो कोई भी सेक्टर 13-23 से या भिवानी से आए तो भैया के पास ही आया करो, काफी ज्यादा बढ़िया। मेरा यहाँ का देख लो ना, पूरा पूरा खत्म कर दिया। तो ठीक है दीपक भाई, लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पे वॉशिंग के लिए और दे दी इनको। कुछ लोग कहते हैं भाई हम दूसरे को चलाने देते गाड़ी, बट ये जो ऊपर चढ़ती है ना गाड़ी, इस टाइम तो ये लोग ही चढ़ाएं तो बढ़िया। अगर थोड़ी भी दर्द होगी तो फिर आपकी गाड़ी जो गिर सकती है ऊपर से। तो अभी मैंने दे दी यहाँ पे चढ़ाने के लिए, वॉशिंग स्टार्ट होती है फिर दिखाता हूँ। और ये लोग रैप इतना करते हैं ना भर करके, मजा आता है लोगों करने में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे जो है, गाड़ी खोल दी थी वॉशिंग करते हुए, और फिल्टर में जो है इन्हें पानी मार दिया मेरे, दिख रहा होगा आप लोगों को। वॉशिंग कर रहे थे, वॉशिंग करते करते कांड हो गया कि ये जो अपना पूरा गीला हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो इसको अब एक बार सुहाऊंगा मैं, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती, गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी उसके बिना। और इन लोगों ने मेरे से पूछा भी नहीं कि भाई इंजन जो है आपका साफ करें या ना करें, और कर दिया कांड, भयंकर वाला कांड कर दिया ये तो। गाड़ी लगा था 2-3 घंटे के लिए खड़ी रही कम से कम। ये बोनट खोल के ही जो है गाड़ी उठा दी ऊपर, रीज़न ये है कि वो देखो फिल्टर हो रहा सूख रहा अपना, और एक बार धूप में थोड़ी बहुत सूख जाएगी, तो उसके लिए जस्ट वेटिंग कि भाई हाँ धूप में छुप जाए, क्योंकि अंदर जो है अंदर भी पानी चलेगा इसके। तो ये चीज़ों में थोड़ी दिक्कत है भाई, अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ के भी चले जाते हो, तो अगर आपने मॉडिफिकेशंस करा रखी है तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहना पड़ेगा। कई सारी क्रेटा में ही दिक्कत है, इसके पीछे देखो रेटा लिखा, RET रेटा, रेटा भी लिखा, RET लिखा है। मतलब मैंने जितना भी देख रहा हूँ, मैं भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि जितनी भी क्रेटा है उन सबके पीछे में कोई ना कोई दिक्कत आती है। एक दिन वहाँ पर रीटा देखी थी, अभी ये रेट देख ली, वो खड़ा अपना फिल्टर या खड़ी जीप कंपास, और वहाँ पे अपनी पीछे धन्नो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चीज़ तो है भाई, देखो अगर इनकी भी गलती नहीं है, मोस्टली ये लोग इंजन में पानी मारते हैं, वैसे गलती इनकी भी है, गलती इनकी नहीं भी है, और मैंने मना नहीं करा था। और दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी हाईली मॉडिफाइड है और आप लोग इसको छोड़ के चले जाओ, तो ये तो भाई पीछे से इसको भिगा भी देंगे, और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी में स्टार्ट भी कर देंगे, तो दिक्कत कितनी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे खड़े हो गए करवा रहा था इसको भी। यहाँ पे धुल के आ गई अपनी पूरी की पूरी गाड़ी, और लुक्स में तो अभी चेंज दिख रहे होंगे, बाकी दिन में धूप में लेके जाऊंगा एक बार या साफ कर देते हैं, कपड़ा मार देते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। और कांड इतना भयंकर हुआ था, किसी तरह कंट्रोल करा है। मतलब ये लोग स्टार्ट कर देते तो मेरी गाड़ी की तो बुक्की बैठ जाती। स्काई को नहलाना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता कि मेरे को मत नहलाओ, इसको बस ऐसे खड़ा कर दो और उसके बाद इस पर पानी मारना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद हॉस्पिटल भी लेके जाना है मेरे को डॉक्टर के पास। इसके ना पिंपल्स हो रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे शरीर में, तो एक बार ब्लड टेस्ट कराऊंगा इसका कि क्या कुछ हो रखा है, और फिर इसमें इंजेक्शन भी लगेंगे आज इसके। तो नहला देता हूँ एक बार, और फिर गया अगर हॉस्पिटल तो वहाँ का भी दिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा भूखता है, जब ये लगवाते हैं ना इंजेक्शन कुछ भी, तो डॉक्टर तो पकड़ भी नहीं पाते इसको कि भाई तुम ही पकड़ो इसको, इतना ज़्यादा भूखने लगा। तो और सुन रहा है इसके बारे में बात, तेरे बारे में बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल चलना है आज है ना, चलेगा हॉस्पिटल स्काई, हॉस्पिटल चलेगा है ना भाई, हॉस्पिटल चलेगा, हॉस्पिटल चलेंगे है ना, नीचे से ऑर्डर वाले आईडी नहाएगा साथ साथ में, स्काई भी नहाएगा। स्काई कह रहा है मेरे पे डाल, और डैडी कह रहा है मेरे पे डाल, दोनों अपने अपने उसका वेट कर रहे हैं। दोनों नहा लेते हैं, इनको नहाने से कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे बच्चे हैं। स्काई ले, और स्काई जा ही नहीं रहा, कह रहा है मेरे पे डालता ही रहा पानी। अरे गर्मी बहुत है ना, गर्मी में इन लोगों को मज़ा आता है ऐसे नहलाने में, मतलब नहलाने में नहीं नहाने में। तो ये स्काई का टाइम आ गया, इसको लेके जा रहा हूँ मैं हाल फिलहाल, और टाइम आ गया मेरे, मतलब कि इसको बिठा के लेके जाना है, रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना है, 2-3 इंजेक्शन और लगवाने हैं। और ये खड़ी भाई अपने पीछे गाड़ी, और एक और चैनल पे ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी पहले, तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई रिवील हो गई है, पर कोई बात नहीं भाई, इट्स ओके, चलता है ठीक है ना। वहाँ पर स्काई बैठा बैठा भूख रहा है कि आ जाओ देखते हो। हाँ आ नहीं रहा कोई बात नहीं, एक बार गाड़ी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि गियर ना लगाते, अपने सही बात करिए, चल रहे हैं बस चल रहे हैं, बोर कर दिया मेरा बेटा। तो आप बैठ गया हूँ मैं अंदर इसके साथ, और जब से भूखने लग रहा है कि आ जाओ करके, और ये इनकी पीछे लीस, और छोटे वाला भी आने वाला है। अच्छा मैं स्विफ्ट क्यों लेके जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, स्विफ्ट खड़ी तो बगल में है, पर स्विफ्ट इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि इस पे चढ़े हुए सीट कवर, और इसके अंदर बाल नहीं घुसेंगे, ये हैं उसके लेदर के, प्यू लेदर के, और अपने जो स्विफ्ट वाले हैं वो सिंपल कपड़े वाले, तो उसके अंदर बाल घुस जाएंगे, और एक बार बाल घुस गए तो निकलेंगे नहीं। चलते हैं। नहीं Mm-hmm.
भी जा रहा है, उसको भूख रहा है पीछे से। नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा टैडी, और ये टैडी भी आ चुका है और एकदम वो रहा है बेताब, बाहर जाने के लिए दिख रहा होगा आपको यहाँ से इरा। और यहाँ पे ये अपना स्काई, दोनों एकदम ही हो रखे हैं। चुप हो जा, चुप। ओ ओ ओ टैडी, ओ स्काई नहीं, उसको कुछ नहीं कहना। हाँ टैडी बस आराम से शांत रहो। ये आ गया टैडी, ये टैडी आ गया भाई, दिख रहा होगा इरा। ये दोनों एकदम शांत एकदम। नो गल जाने, इनको पता है लेंगे इंजेक्शन लगने वाले हैं। हाँ भाई ने बुरा हाल कर दिया, पापा को भी आना पड़ रहा है फाइनली, क्योंकि ये दोनों काबू नहीं आ रहे एकदम। टैडी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आ टैडी, इधर आ जा, बैठ जल्दी खोल हल्का, क्योंकि पापा के पास जा रहा है। ये तो काटेगा अभी इंजेक्शन लगते हुए, ये तो फिर भी लगवा लेगा स्काई आराम से। रुक जा, रुक जा, रुक जा। आगे स्कॉर्पियो आ रही है और मेरे पाछे ने भी स्कॉर्पियो आ रही है, ब्लैक दिख रही होगी। और कल आपको ब्लॉग दिखी जाएगा कल परसों में, जिसमें आपको कोई हिंट मिलने, हिंट तो क्या पूरी कंफर्मेशन मिलने वाली है ना। अलका अलका कौन सी है? तो आज आप तो आइडिया पड़ गया ना, तो ठीक है भाई जो भी है। और रैप कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वो भी लिख के बताना। तो भाई अगर जिस मेरे भाई को रात के लुक्स देखने हो, तो रात को अपनी जो गाड़ी है कुछ ऐसी दिखती है, एंड ट्रस्ट मी रात में भी इसमें अपना ही एक एलिगेंस है और बहुत ही बढ़िया दिखती है भाई, ट्रस्ट मी। और सामने अगर वो दिख रही होगा आपको कि ये सेल्टोज और ये खड़ी अपने यहाँ पे गेरी, एंड अगर मैं आगे से लेके जाऊँ तो ऐसा कुछ जो है गाड़ी के लुक्स लगते हैं। मैं पता नहीं भाई इसमें कैमरे में डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, बट अगर आप इसको आंखों से देखोगे तो ही आप डिफरेंस पता लगा पाओगे कि भाई ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है गाड़ी में। और अगर मैं इधर जाऊँ पीछे की तरफ, तो पीछे से दिखा दूँ मैं आपको, पीछे से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगती है, यहाँ से दिख नहीं रहा कुछ भी, खैर आप लोगों को। पर हाँ लुक्स अगर जैसे इस गाड़ी पर किसी चीज़ की रोशनी पड़ती है ना, तो एकदम डिफरेंट लुक्स आते हैं गाड़ी के, कि लगता है मतलब हाँ गाड़ी में कुछ डिफरेंट है जो है करा रखा है। तो रात से लेके सुबह से लेके दिन के लुक मैंने सारे के सारे आपको गाड़ी के दिखा दिए हैं, और गाड़ी जो है ज़बरदस्त लग रही है। रात मतलब रात से लेके दिन के जो लुक्स हैं मैंने सारे के सारे दिखा दिए आप लोगों को यहाँ पे। और अगर साइड में देख रहे होगे तो पूरा एक मतलब डायमंड टाइप जो है, पर्ल टाइप है इसमें आ रहा है, तो मल्टी शेड्स में आती है गाड़ी की। जैसे इस पर किसी चीज़ की रोशनी पड़ती है तो उसी कलर की जो है लाइट हो जाती है, गाड़ी हो जाती है यहाँ पे। और ऊपर जो है दो तीन लोग मेरे को दिख रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ, नहीं तो मैं और तेज़ बना देता, तो थोड़ा कैमरा कॉन्शियसनेस तो हो ही जाता है भाई। खैर यहाँ से मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, तो ऐसा जो है गाड़ी के कुछ लुक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में लिख के बताओ भाई आप लोग गाड़ी पसंद आई नहीं आई, मेरे से पूछा जाए तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे, एंड इनफैक्ट ब्लू से ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ का वो नहीं कि भाई हाँ गाड़ी में करा रखा है, अभी यहाँ पे लेके जानी वहाँ लेके जानी। तो भाई अगर आपने हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पर तो देख ही लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा भाई लोग एक ज़रूरी बात मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा ये करनी थी, कल जो अपनी वीडियो है वो दूसरे चैनल्स पे भी आप लोगों ने देख ली होगी, एंड नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि लीक होगी ये वीडियो, ये होगी वो होगी। तो मैं आपको एक छोटा सा बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक मतलब मैं अपने तरफ से क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि मेरे नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं भाई इनके साथ कोलैब करो, इनके साथ कोलैब करो। तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है कि मैं उन भाई लोगों के साथ कोलैब करना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर नए आए हैं, और जिनका अगर मतलब मेरा नाम अगर वो लिखते हैं अपनी वीडियो में तो उनके व्यूज़ आएँ। अब मैं चाहता तो भाई से बोल देता जिन्हें डाली है वीडियो कि भाई रिमूव कर दो वीडियो, बट नहीं मेरे को नहीं करनी करवानी थी रिमूव, बिकॉज अगर मेरी वजह से व्यूज आ रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो आई एम वेरी हैप्पी उस चीज में। और मैं आप लोगों को बता देता हूं मैं कोलैब हमेशा मेरा देखो स्टार्टिंग से रहा, मैं कोलैब किसी से भी कर लूं, बट आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई मैं किसी के पास जा रहा हूं कोलैब करवाने या रिव्यू करवाने अपनी वीडियो के। मेरा स्टार्टिंग से एक उसूल रहा है कि जो भी मेरे भाई, मैं किसी को छोटा यूट्यूबर नहीं बोलता, जो भी मेरे ग्रोइंग यूट्यूबर्स भाई हैं जिनके आजकल आज मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, कल मेरे से भी ज्यादा हो सकते हैं और बहुत ज्यादा आगे ग्रो करेंगे, तो मैं उनके साथ हमेशा वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले और वो लोग भी खुश हों। तो भाई देखो प्लीज नीचे ये कमेंट मत करा करो, इसके साथ कोलैब करो, उसके साथ कोलैब करो, मैं उन्हीं के साथ कोलैब करूंगा। अगर आपको कोई लग रहा है ग्रोइंग यूट्यूबर जिसको बहुत ज्यादा हेल्प है, तो भाई 100% बोलो, मेरे से बन पाया तो मैं जाऊंगा कोलैब करने, और वो आ पाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई एज सच कुछ है अपनी गाड़ी और देख ली होगी आप लोगों ने दूसरे चैनल्स पे, तो इट्स ओके। खैर कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा, मिलेंगे एक छोटे के लिए, बाय और धन्यवाद। तो ठीक है एक बार रोशनी तो दिखा नहीं पाया, तो यहाँ से देखो किया सेल्टोज है, और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो अपनी गाड़ी पर जब रोशनी पड़ेगी तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा रात को जो गाड़ी है कैसी लगती है। तो एज सच जो है भाई गाड़ी कुछ लगती है रात को, ठीक है, दिखगी मजे है ना, मस्त है ना,
ओके।